400 किलोमीटर पे जाना है और 400 किलोमीटर पे क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे हम भी नहीं आया, श्रिया, रॉबिनदीप, साहिल, ये जो बॉस फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं बाहर रुक के रखना, एक दो बार क्लास बाहर निकालेंगे, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे जो भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बोलो, 1 - 2h/r, क्योंकि हाइट छोटी है 400 किलोमीटर, 4000 तो नहीं है, तो अगर 4000 नहीं है तो वो लंबा वाला मेथड नहीं लगेगा, g'/g, याद है, r² / r + h² वो नहीं लगेगा, क्योंकि हाइट छोटी है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। आप जी की जगह पुट कर ले 9.8, 1 - 2 × हाइट की जगह पुट कर ले सीधा 400 और आर की वैल्यू इज 6400, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक, ऐसे किया हमने, ठीक। इसका आंसर सॉल्व करने पे क्या आ रहा था, 8.5 m/s² ठीक, इसका आंसर ये आएगा 8.5 m/s². नेक्स्ट है, एट वॉट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface? अब मुझे 36% value को क्या करना है, reduce करना है, तो मतलब अब मेरे पास जो value है वो उसकी value किसके equal होगी, g minus कितना, 36% of g। 36% value कम होना बहुत बड़ी बात है, 36% कोई 2-4% नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आप शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना, यहां तक आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो इसमें, ये आपकी नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमने क्या फॉर्मूला किया था, g'/g इज इक्वल टू r² / r² / r + h² याद है, ये हमने वैल्यू की थी, ठीक है, यहां तक। और जी डैश की जगह क्या पुट करेंगे, इसको माइनस कर ले, कितना आएगा, 64/100 × g, तो जी डैश की जगह पुट कर ले 64/100 × g/g, जी से जी कैंसिल, यहां से एच निकाल ले, आंसर आ जाएगा, मतलब इसको और इसको इक्वेट कर ले, आपके पास आंसर आएगा। मेथड क्लियर है यहां तक कि एच और आर में क्या रिलेशन होगा वो निकल जाएगा, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि शॉर्टकट मत लगाना, शॉर्टकट नहीं लगाना, एक्चुअल मेथड लगाना है, बिकॉज जी की वैल्यू 36% चेंज हो रही है, ठीक। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, r/4 आंसर आ रहा है, r/4 का मतलब है 6400/r, 6400/r। पॉइंट क्लियर है यहां तक, आकाश बाहर जाना 5 मिनट। मेथड क्लियर है सबको, ये क्या किया मैंने इसमें, ठीक, कॉपी नहीं करना, मेथड क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क था क्या, ओके, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास एंड डेंसिटी, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ इट वेट 250 न्यूटन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ का मतलब mg की वैल्यू कितनी है, 250। मेरे को कहां जाना है, अर्थ के नीचे, g' is g, 1 - x/r, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, m से अगर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई, तो मेरे को नया वेट निकालना है, मुझे m × g' निकालना है, और mg की वैल्यू कितनी है, 250, 1 - x की वैल्यू कितनी है, मैं कितना गया हूं नीचे, हाफ दी वे का मतलब r/2/r। सॉल्व कर लेंगे, यहां से नए वेट की वैल्यू आ जाएगी 125 न्यूटन। मेथड क्लियर है यहां तक कि कैसे वैल्यू निकालनी है न्यू वेट की, तो न्यू वेट मींस जी क्योंकि चेंज हो रहा है तो इस वजह से वेट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, कोई डाउट है इसमें, ठीक। ओके, नेक्स्ट है,
सभी क्लियर है निहारिका अरमन सबको क्लियर है यहां तक नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी थी तो वेट की वैल्यू कितनी थी एम जी बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी जी डैश कम हो गई तो वेट कितना हो गया एम जी डैश ये चेंज इन वेट आ गया ओरिजिनल वेट कितना था एम जी इन टू 100 मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी समझ आया निकालना क्या है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेट मास का तो कोई अफेक्ट है ही नहीं तो क्या वैल्यू आ गई जी माइनस जी डैश अपॉन जी इन टू 100 मुझे निकालना है और मुझे मालूम है जी माइनस जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है जी 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6400 कर दो एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय जी इंटू 100 ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने मैंने इस जी डैश की जगह मैंने इस जी डैश की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया जी इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर कोई डाउट इसमें किसी को निकल जाएगा आंसर परसेंटेज चेंज का वो भी समझ आ रहा है ठीक है ना यहां तक तो यू कैन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेट कोई डाउट इसमें ठीक निकाल लेना कितना 0. ये आंसर आ जाएगा मेथड क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी था चल बता ही देता हूं क्वेश्चन का इफ अर्थ वाज अ परफेक्ट स्फीयर सुन लो मेथड सुन लो परफेक्ट स्फीयर है रेडियस अर्थ का गिवन है पीरियड ऑफ पीरियड का मतलब कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर तो पोल्स पे जितनी है इक्वेटर पे जितनी है इसकी वैल्यू निकालो डिफरेंस निकालो क्या होगा तो पोल्स पे पोल्स का फॉर्मूला पुट कर दो कितना होता है जी पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो जी होती है और इक्वेटर पे क्या होती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है इक्वेटर पे जीरो याद है लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन तो इसका मतलब जीरो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ये ओपन करोगे जी से जी कैंसिल सिर्फ क्या बचाएगा आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π / कैपिटल टी का स्क्वायर कैपिटल टी पता है आर पता है आंसर आ जाएगा समझ आ रहे हैं यहां तक कि जी सबको क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं ठीक आंसर निकाल लेना आंसर के लिए मैं शीट दे दूंगा कोई बात नहीं मैं शीट प्रिपेयर कर रहा हूं नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी आपको अभी सिर्फ मेथड देखो सिक्स क्वेश्चन है कि अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड द सन एक रॉकेट अर्थ से सन की तरफ जा रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो तो अगर ये सन है अगर ये अर्थ है और इनके बीच में डिस्टेंस आर गिवन है गिवन है जो भी गिवन है उसको रहने दो ठीक आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है लेट से वो पॉइंट है जहां पर क्या जीरो चेक करना ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कौन लगाएगा मान लो इसका मास m है सन का मास m s है अर्थ का मास m e है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है सन मेरे इस रॉकेट को अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स ऑफ g मास ऑफ सन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन मान लो ये डिस्टेंस अर्थ से कितने एक्स है तो ये सन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एक्स तो सन का इसका और इसके बीच में फोर्स कितनी है जी मास ऑफ सन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर ये पॉइंट क्लियर है और उसी तरीके से जो अर्थ है वो मेरे इस मास को अपनी तरफ खींचेगी ठीक विद अ फोर्स ऑफ कितनी जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्स का स्क्वायर
ये चीज क्लियर है। तो एक फोर्स की वैल्यू टुवर्ड्स लेफ्ट है और एक फोर्स की वैल्यू टुवर्ड्स राइट है, और अगर मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, इन दोनों फोर्सेस को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट, ठीक है ना। एक फोर्स लेफ्ट है, एक फोर्स राइट है, अगर दोनों, अगर मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स जीरो आ जाए तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से जी और जी कैंसल, एम और एम भी कैंसल, यहां से निकाल लेना एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आर आपको गिवन है। मेथड सिर्फ चेक करो कि आपको मेथड की क्लैरिटी है। अभिषेक समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा एक्स का। एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कोई 2.59, जिन्होंने की है 2.5 × 10^8 meters, 2.5 × 10^8 meters, ठीक है यहां तक? आप एक काम करो, क्वेश्चन करो अभी, ये क्वेश्चन करवाया था मैं लास्ट टाइम, करवाया था ये, मैंने करवा दिया था, पोटेंशियल कैसे निकलता है ये करना। नाइन्थ क्वेश्चन चेक करो, होमवर्क था ये भी? अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट मासेज है, ईच ऑफ मास छोटा एम आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थ्री मासेज एट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन है कि ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीन पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, ये रहे। आपको इनके सेंट्रोइड पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी सेंट्रोइड पे पोटेंशियल निकालना है क्या होगा। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका मुझे मालूम है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। ठीक, यही होता है पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक मास एम है, मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है, और अगर मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना जरूरी है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है क्या होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम ऑलरेडी एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे। ये सेंट्रोइड है, और अगर ये सेंट्रोइड है तो इसकी और इसकी रेशियो कितनी है, 2:1, 2:1 याद आ गया, सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को, एनी डाउट? ठीक रोहित, ठीक है ना यहां तक? तो अगर ये 2:1 है, एक काम करते हैं हम पूरी लेंथ निकाल लेते हैं इसकी क्या होगी। अगर ये L है, अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री है और अगर ये 90 है, तो हम ऐसा करते हैं, लेट से ये Y है, ये L है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय L, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इंटू साइन ऑफ 60, ठीक है ना। मतलब मैंने Y की वैल्यू निकाल ली, L इंटू साइन ऑफ 60, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है, टोटल लेंथ आ गई, और मुझे टोटल लेंथ ही निकालनी, मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन विल बी इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2+1 क्या होगा, 3, तो इसका हिस्सा कितना हुआ, 2/3 इंटू वाई, टोटल लेंथ कितनी है, वाई है, वाई का यहां से लेके यहां तक हिस्सा कितना बनेगा, 2/3 इंटू टोटल लेंथ कितनी है, y, तो ये लेंथ कितनी आएगी, 2/3 इंटू एल इंटू साइन ऑफ 60। ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? लेंथ, ये डिस्टेंस निकल गया, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाला है, ये ठीक, एनी डाउट? एक बार हमने पहले भी निकाला था शायद, एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाला था पहले, क्लियर है यहां तक? अब मान लो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया, अब मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो अभी हमने निकाली 2/3 इंटू एल इंटू साइन ऑफ 60, तो इस पॉइंट की वजह से यहां पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2/3 एल साइन ऑफ 60। ये पॉइंट क्लियर है,
ठीक है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जीएम बाय आर, और मेरे को ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं, तो माइनस जीएम बाय दिस डिस्टेंस, ऐसे कितने पॉइंट है, दो तीन है टोटल, तो सारे पोटेंशियल एड हो जाएंगे, एड होने का मतलब इंटू क्या कर देंगे थ्री, मतलब तीनों को एड करने का मतलब इंटू थ्री कर दें, ये आंसर है। समझ आ रहा है यहां तक कि पहले एक पार्टिकल का पोटेंशियल निकाला, और सबका सेम इसलिए होगा, सबका सेम क्यों होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेंट्रोइड से क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए पोटेंशियल ऐड होते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है तो ऐड हो गई। हरजोत, हरजोत, अच्छा हरजोत भूल गया, हर्ष भी जाओ, तो ये चीज क्लियर है। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू इज माइनस जीएम डिवाइडेड बाय टू बाय जो भी ये डिस्टेंस है इंटू थ्री। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ रहा है? ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पोटेंशियल ऐड होते हैं, इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके बेस पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने एक और क्वेश्चन दिया था इसका, वो मिल नहीं रहा मुझे, कहां गया? एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था, कहां गया? 21 है, कौन सा? हाँ ये हुआ, हो गया, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? किया था ट्राई, हो गया था, बस बाकियों ने किया ही नहीं, हुआ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, जो लोग घर से काम नहीं करके आते वो प्लीज क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन देखें, और इससे पहले मैं भूल जाऊं एक चीज याद रखना, इस महीने जो सिलेबस है वो कुछ एक टारगेट के साथ चलता है, दिसंबर में आपके एग्जाम है, प्रॉपर्टीज और मैटर सबका आएगा स्कूल में, मेरा टारगेट रहेगा कि प्रॉपर्टीज हो जाए, बट कोर्स को भगाऊंगा नहीं, आप पढ़ोगे तभी मजा आएगा ना करवा के, भगाने को क्या यार, मेरा कौन सा कुछ आता है, मैं तो टेप रिकॉर्डर हूं, मैं तो बोलना शुरू कर दूंगा और खत्म कर दूंगा, बट मजा नहीं आता उस तरीके से, अगर बच्चे रिस्पांस ना देना तो बिल्कुल मजा नहीं है पढ़ा के। और आप में से आई डोंट नो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, वेरी पुअर टाइम मैनेजमेंट, बहुत बहुत स्टूडेंट की टाइम मैनेजमेंट सच में बहुत पुअर है, ऐसा लगता है कि आधी जनता पढ़ने नहीं चाहती। मैं पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, ये पूरा मंथ सिर्फ पेरेंट्स से बात करने का है, कई लोगों के घर फोन जा भी रहे हैं, बात हुई होगी, और कईयों के अब होने वाली है, तो अब ध्यान से देखो आपके पेरेंट्स सब आते रहेंगे तीन महीने में यहाँ पे, और खासकर उनके जो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, पेरेंट्स को यहाँ आपके बुला के मैं आपकी पूरी रिपोर्ट देता रहूंगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, बाद में नहीं कहना हमें पहले बताया नहीं। आए हैं किसी के घर फोन अभी शुरू हुए हैं आपके यहाँ से? हाँ हुए,
पांच एग्जांपल हैं, अभी ये जो बाहर अंदर बाहर जा रहे हैं अब इनकी इनकी टर्न आने वाली है, और सब सबकी नहीं, मे भी उनकी जिनका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा और जो होमवर्क नहीं करके आ रहे। अब एक एक स्टूडेंट की मैंने फाइल लगाई हुई है, अब एक एक स्टूडेंट को ढूंढ ढूंढ के अपने निकालना है और उसे काम करवाना है, तो इट्स बेटर आप खुद ही काम करो। टू बॉडीज ऑफ मासेज एम1 एम2 आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अपार्ट, ये लो एम1 एम2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। आगे देखो, मेरे को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का सिंबल, पोटेंशियल का सिंबल वी, ठीक है, कहां, वहां जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, चेक कर लो, पोटेंशियल वहां निकालना है जहां इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है। अब इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो कहां है, पहले वो निकालें, निकालें, तो सपोज सपोज ये मास m1 है, एक मास m2 है, और ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, सपोज जीरो। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, बाय टर्म इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो का मतलब फोर्स भी जीरो बोल सकते हैं और इंटेंसिटी भी जीरो, एक ही बात है, जहां इंटेंसिटी जीरो होगी वहां फोर्स भी जीरो होगी, ठीक। तो पहले इसका डिस्टेंस निकालने कितना है, सपोज करो टोटल डिस्टेंस अगर आर है तो एम1 से इसका डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितना है r माइनस x है। पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? तो पहले मैं x निकाल लूं, क्या होगा, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल बिना वेक्टर के नहीं होगा। तो लेट से यहां पर इंटेंसिटी जीरो है, तो इसके लिए मुझे एक चीज बताओ कि एम1 ने यहां पर i की वैल्यू लगाई, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अट्रैक्टिव होगी कि कैपिटल एम ने इस ऑब्जेक्ट को खींचा और इस ऑब्जेक्ट जहां पर इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां मास कितना एज्यूम करना होता है, प्लस वन, यानी यूनिट, याद है यूनिट पॉजिटिव मास लास्ट टाइम किया था, यूनिट पॉजिटिव मास, ठीक। तो एम1 ने प्लस वन को खींचा और इंटेंसिटी की वैल्यू बोले, देखें, जी एम1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, था एनी डाउट, ठीक है ना। उसी तरीके से M2 ने प्लस वन को खींचा, जहां इंटेंसिटी निकालनी है, अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स M2, वैल्यू क्या होगी, G M2 डिवाइडेड बाय R माइनस X का स्क्वायर। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है ना, R माइनस X का स्क्वायर। अब मुझे ये मालूम है कि ये वो पॉइंट है जहां नेट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये वो पॉइंट है जहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है, और अगर ये वो पॉइंट है जहां नेट इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। अगर इंटेंसिटी जीरो करनी है तो लेफ्ट और राइट की इंटेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल, ठीक, इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है यहां तक। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूं तो ये देखो इक्वल कर दिया, जी एम वन बाई एक्स स्क्वायर जी एम टू बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो अंडर रूट लो, यहां से सॉल्व करो और किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। पॉइंट सबको क्लियर है, तो यहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। प्लीज साइज टेस्ट नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो बस एक्स नोट कर लो, ये एक्स आएगा, इसको सॉल्व करके ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या तो क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, समझ आ गया ना एक्स कैसे निकलेगा। नेक्स्ट, एक्स आ गया और मुझे क्या निकालना है, मुझे v की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पर जहां पर इंटेंसिटी जीरो है, तो कोई मुझे बताएगा यहां v क्या होगा, बोलो कितना, m1 की वजह से v बोलो कितना होगा, माइनस जी एम वन बाय एक्स, प्लस इसकी वजह से v कितना होगा, माइनस जी एम टू बाय आर माइनस एक्स, ठीक है।
और क्योंकि मैं x निकाल चुका हूं और x की वैल्यू को यहां और यहां पुट कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट। ठीक है ना, यहां तक देखो क्या दिखाता हूं, ये मेरे पास x आ गया, x तो क्लियर है। एक काम कर लो, मुझे r माइनस x की जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत और r माइनस x, तभी मेरे पास पोटेंशियल निकलेगा। तो x मैंने निकाल लिया, r माइनस x में r, r में से क्या माइनस कर दिया मैंने, x। तो ये जो बच के आया ये क्या आ गया, r माइनस x। पॉइंट क्लियर है यहां तक, मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे को जरूरत है x की और r माइनस x की। तो x तो मैं निकाल चुका हूं, तो r माइनस x मैंने निकाल लिया, x की जगह x पुट कर लो, r माइनस x की जगह r माइनस x पुट कर लो। यहां पे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, जो प्रूव करना है उसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से लेके चले, पहले वो पॉइंट ढूंढा जहां पर इंटेंसिटी जीरो है, फिर उसके बाद उस पॉइंट पर क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। ठीक है यहां तक, तो यहां से ये देखो, पहले x की वैल्यू पुट की, r माइनस x की वैल्यू पुट की, प्लीज नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा नोट करना, सिर्फ स्टेप्स देखते जाओ, पुट कर दिया। उसके बाद इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गए, ऐसे इसको न्यूमिनेटर में ले गए, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, ये आ गया ऊपर, ये टर्म ऊपर आ गई, ये टर्म ऊपर आ गई। एम वन, एक चीज नोट करो, ये एम वन है, ये अंडर रूट ऑफ एम वन है, मैथ्स में इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहां पर क्या बचाएगा, रूट ऑफ एम वन। तो ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप आ गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, क्यों आर तो कॉमन आ गया और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये वैल्यू आ गई। इसको एक्सपैंड करो, इसको ओपन करो, ओपन करके आंसर आ गया जो प्रूफ करना है। कुछ नहीं देखना आपने, आपको बेसिक स्टेप क्लियर है, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एंड देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आर माइनस एक्स, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया यहां तक, कोई डाउट है इसमें, ठीक, एकदम क्लियर है। टाइप करवानी है, एनर्जी कंजर्वेशन की टाइप करानी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, क्वेश्चन नंबर 17 थे, व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड, बोलो क्या निकालना है, ओमेगा, सो दैट बॉडी इज लाइंग एट इक्वेटर मे अपियर वेटलेसनेस। वेटलेसनेस कब होती है, जब इक्वेटर पे सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, और इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, और वेटलेसनेस के लिए इसकी वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, तो G इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय, ये पता है दोनों क्वेश्चन में मेरे को G पता है, R पता है, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, आंसर चेक करा देता हूं, मेथड सबको क्लियर है, क्योंकि उसने कहा इक्वेटर पे वेटलेसनेस होना चाहिए, तो मैंने भी उठा के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या पुट कर दिया, जीरो, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक,
सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, सब एक्टिव में। यार पता है क्या चक्कर है, छी जी की वैल्यू 10 क्यों ली है, पहले ही अंडर रूट थोड़ा था कैलकुलेशन के लिए, अंडर रूट पहले ही इतनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स कर देगा, ऊपर से आप जी को 9.8 और ले लो, ऊपर से और डिवीजन मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए उसको 10 ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट, मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, two equal masses m and m are hung from a balance whose scale pans differ in vertical height by h, calculate error in weighing in terms of density of earth. सबसे पहली चीज, मास जब बराबर है तो mg mg से वेट भी क्या आना चाहिए, बराबर। पर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द चेंज इन वेट। ये कैसे हो सकता है जब बैलेंस में इधर भी m इधर भी m, तो फिर वेट कैसे चेंज हुआ, क्योंकि क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं यार, नहीं नहीं एरर, कोई एरर नहीं आगे। अरे ओहो यार, तुम तो चैप्टर को यार बैक टू पवेलियन वहीं ले आए जहां से हमने प्लस वन स्टार्ट की थी, एरर एनालिसिस। कोई मशीन खराब नहीं, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो फिर भी एरर आ रहा है क्यों, हाइट। यार मतलब आप इमेजिन करो यार, इतना तो अंदाजा लगाओ कि ये चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर नहीं होगा। तो इसके अंदर ये अगर अर्थ है, इमेजिन करना है आपने, इमेजिन होता नहीं है वैसे ऐसे, सोचो अगर जो मैंने बैलेंस लिया हुआ है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसका एक मास पता नहीं कितने सौ किलोमीटर ऊपर लटका हुआ है एम, और एक मास पता नहीं कितने सौ किलोमीटर नीचे लटका हुआ है एम, मतलब अर्थ की सरफेस से दोनों एम पता नहीं कितने कितने सौ हाइट्स में है। अगर ऐसा हुआ चलो आगे देखो प्लीज, साइलेंस प्लीज, गोविंद आगे देखो। तो इसमें इनके बीच में क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट इज एच, हाइट इज एच। अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वन है,
यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू है, ये दोनों के दोनों मासेस सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत 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 ऊपर है, एज्यूमिंग ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अगर ये दोनों के दोनों सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत बहुत ऊपर है तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, उस केस में देयर विल बी चेंज इन वेट, तो चेंज इन वेट एम जी वन एम जी टू, बिल्कुल ठीक है यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक ये समझ आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो कि वेट्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो क्लियर है। और जिस वजह से जी की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर जी डिफरेंट है तो वेट भी डिफरेंट है, तो इस केस में जी टू की हाइट मान लो एक मिनट के लिए कि इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है एच टू है, और इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है एच वन है, ठीक। तो यहां पर वेट कितने एम इंटू जी टू की जगह वैल्यू पुट करिए हाइट की वजह से, जी इंटू वन माइनस टू एच टू डिवाइडेड बाय आर। याद है हाइट की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, तो फिर यह क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो, नहीं वो स्मॉल एम कर लो, दिस इज स्मॉल एम एंड स्मॉल एम। मैंने बोला बहुत बहुत ऊपर है, बट चलो बहुत ऊपर ले लो, बहुत बहुत ऊपर मत लो, लेकिन उसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। आप कर सकते हो यार जी डैश अपॉन जी का फॉर्मुला आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर लगा सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मैं थोड़ा आसान रखना चाहता हूँ। तो लेट्स से इतनी भी ऊपर नहीं है कि हजारों में ऊपर, सौ में ऊपर है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए, ठीक है ना। यहाँ तक अगर लाइट जा सकती है प्लीज लाइट ऑन कर लो, पीछे से सारे ऑन कर लो, बस इधर से देखना ऑन हो रही है कोई लाइट, ओके सफिशियंट है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर वेट की वैल्यू बोलो कितनी होगी, m इंटू कितनी जी वन माइनस टू एच वन डिवाइडेड बाय आर, एनी डाउट, ठीक है ना, आपको बिल्कुल सही है। और मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन वेट, तो चेंज इन वेट में क्या करेंगे, एम जी एच एम एम जी टू माइनस एम जी वन, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक बोल रहा हूं ना, तो दोनों वेट्स को हम अगर माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेट आ जाएगा, एनी डाउट, क्लियर है सबको यहां तक, ठीक करके देखें अब जो क्लियर है। तो यहां से इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो मैंने एम जी टू माइनस एम जी वन कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक वैल्यूज पुट कर दी मैंने माइनस करके, Mg2 माइनस Mg1 और G2 G1 की मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ओपन करें इसे, ठीक है ना यहां तक। तो जब इसे ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और H1 माइनस H2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, H, एच वन माइनस एच टू की जगह क्या लिख लिया H, और मास ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, जो मास ऑफ अर्थ है उसको क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, पुट कर लिया आंसर आ गया। उसने कहा था चेंज इन वेट निकाल लो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो मैंने चेंज इन वेट तो निकाल लिया था, पर क्यों मैंने डेंसिटी की फॉर्म में लेके आया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, अगर क्वेश्चन में ना गिवन होता तो मैं ऊपर छोड़ देता एच टू माइनस एच वन को एच पुट करके। डायग्राम में डायग्राम इसका कुछ ऐसे है, तो फिर जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर डिफरेंट आएगा यार, अगर आप बहुत ऊपर नहीं लेके जाओगे तो उसके इसमें जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, आंसर तो वेरी करेगा। अब क्या कह रहे हो, एक मास को कहां रखना है, नहीं करनी ना, अगर H1 नहीं करनी ना तो H1 को यहां जीरो पुट करूं तो क्या आएगा, सिर्फ G, तो आंसर सेम कैसे आएगा, एक में आप एज्यूम कर रहे हो कि G चेंज हो रहा है, एक में एज्यूम कर रहे हो G चेंज नहीं हो रहा, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों के दोनों G
चेंज हो रहे हैं तो आंसर सेम कैसे आ सकता है। हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आपका आपका आंसर भी सही होगा, मेरा आंसर भी सही होगा। ये हमारी अजम्पशन है कि हम क्या मानते हैं कि पहला मास सरफेस ऑफ अर्थ पे मानते हैं या थोड़ी हाइट पे मानते हैं, तो मैंने थोड़ी हाइट पे मान लिया, ठीक है ना, ये अजम्पशन है, आप कैसे भी मान सकते हो। और दूसरी चीज, यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी है, मेरी ऑब्जेक्टिव बुकलेट में भी है, तो उस टाइम नहीं करवाऊंगा, सेम आंसर है, इसका आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। बोलो काश, सेकंड कैलकुलेशन वाली, ये वाला। इसके बाद एलसीएम लिया आरआर का, एच वन माइनस एच टू की वैल्यू क्या गिवन थी, एच, और मास को क्या लिख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसे किया। कैलकुलेशन है, जहां तक मर्जी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपकी अपनी कैलकुलेशन है। इससे पहले आपको ये समझ आया आया कहां से, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कैलकुलेशन तो जहां मर्जी छोड़ दो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना यहां तक। कंजर्वेशन कहा नहीं है, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, मुझे ये पहले मिल गया, मैंने ये करा दिया, अब कंजर्वेशन मैं कराऊंगा तेरे को भी, नहीं है कोई कंजर्वेशन नहीं है, तो ठीक है अपनी जगह पर, ये कंजर्वेशन मैं लगाई नहीं कहीं पर। ले आ गया कंजर्वेशन, बनाओ डायग्राम और सॉल्व करो क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हिंट देता हूं, सरफेस ऑफ अर्थ पे टोटल एनर्जी निकालो, एंड टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया तो अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो दोनों का सम क्या आना चाहिए एग्जैक्टली सेम, तो देखो इसमें लगा के देखो,
एम बाई आर। अब हम ग्रेविटेशन में अब हम एमजीएच फॉर्मूला तब लगता है जब हमारी हाइट बहुत छोटी होती है, जब हमारी हाइट छोटी होती है तो, और एमजीएच अप्रोक्सिमेट बाइनोमियल के साथ आया हुआ है तो वो हाइट छोटी के लिए वो नहीं लगाना आपने। अर्पित अर्पित तो इसके अंदर क्या करेंगे, अ रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, फाइंड हाइट अप टू विच अ रॉकेट कैन गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बिफोर फॉलिंग बैक टू अर्थ। तो सपोज ये अर्थ है, सपोज आपका रॉकेट ये रहा, छोटा मास m, बड़ा मास m, रेडियस r, सरफेस ऑफ अर्थ पे रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी u, मींस काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या निकालना है क्वेश्चन में, राइट हाइट। मान लो रॉकेट कितने हाइट पे जाके रुक गया, h, ठीक। सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस काइनेटिक मैंने दी कितनी, हाफ छोटा एम की बड़ा एम, क्यों, क्योंकि एनर्जी किसको मिल रही है, रॉकेट को, तो मास भी किसका, रॉकेट का, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट इसमें, एम जी सरफेस के ऊपर, लास्ट टाइम एक पोटेंशियल जी का टॉपिक किया था ना एट अ पॉइंट, तो मैंने बोला था एमजीआर लगा लेना, मैंने इतनी लंबी कहानी सुना इन्फिनिटी से जाना है वहां लाना है, नहीं लगाना एमजीआर, तो फॉर्मूला आज के बाद भूल ही जाओ ना, ग्रेविटेशन में लगाना है बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना एमजीएच लगाना है ना एमजीआर लगाना है, माइनस जीएमएम बाय आर लगाना है। ये होती है सरफेस ऑफ, हाँ मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जीएमएम बाय आर। एनी डाउट, समझ आ रहा है चिराग, सबको क्लियर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाए, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर रॉकेट आ गया तो काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, पोटेंशियल कितनी, सागर क्या कर रहे हो यार, आगे देखो, पोटेंशियल की वैल्यू बोलो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, सही है ना। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इज इक्वल टू इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, एनी डाउट, बिल्कुल ठीक यहां तक, ठीक है। इक्वेट करें, माइनस जी एम एम आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर हाफ छोटा एम यू स्क्वायर, छोटा मास और छोटा मास कैंसिल, ठीक है। यहां तक एच निकालना है आपको, एच निकाल लेना सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्सा क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैं उसे हम लेके बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, बट पॉइंट क्लियर है कि इसमें सिर्फ एक ही अननोन है और वो क्या है, इसमें एच है, ठीक है ना। यहां तक तो इसमें पहले टर्म्स को एलसीएम वगैरह लेके उल्टा कर लेना, क्योंकि आर प्लस एच डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में लेके आना है। मेरे ख्याल से जिनके पास मैथ्स है वो तो कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास नहीं है वो भी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एच को एक वेरिएबल है, इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम ले लेना, आंसर आएगा, ठीक है यहां तक। तो इसको इक्वेट आंसर तो इसका मैच नहीं कर सकता किसी का, ये तो एलजेब्रा है ना, कोई कहां तक छोड़ेगा कोई कहां तक छोड़ेगा, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, देखो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आंसर निकाल लेना ऐसे कह के, कहां से लाऊं आंसर, ये तो सॉल्व करने के ऊपर है आप कितना सॉल्व करते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, कोई डाउट किसी को इसमें। अब इसी पे एक और क्वेश्चन था, देखना शुरू में क्वेश्चन होगा 15th क्वेश्चन से पहले पहले 20% लॉस इन एनर्जी के बने इसमें, मैं क्वेश्चन नंबर 10th हाँ क्वेश्चन नंबर 10th करो। अभी जो इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो ग्राउंड पे एनर्जी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देयर इज लॉस इन एनर्जी, अब करना सेम है, एनर्जी कंजर्वेशन है,
सोचो कैसे, जो लोग परसों रिवीजन बैच के लिए आना चाहते हैं 4:30 to 5:30, जो आज नहीं आ पाए, या 7 to 7:30, तो उनका रिवीजन बैच सुबह लग रहा है, सैटरडे को शाम को नहीं है, सुबह है, तो सुबह का क्या टाइम होगा? वो कितना है, टेंटेटिव है 9 o'clock बोला है, पक्का है? ठीक है, 9 बजे है सुबह, परसों वाला। कल वाला तो ऐसे ही चलेगा, कल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो परसों ट्यूजडे ऑल्टरनेट पे रिवीजन करने आते हैं उनका टाइम है, वो शाम को नहीं, वो सुबह आएंगे। ठीक, क्या करवाना है? रोटेशनल मोशन, रोटेशन की थ्योरी है क्या? आ गया, चेक करना, चेक करना। ओके, देखो, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ मार्स विद अ स्पीड ऑफ 2 km/s। इफ 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस, हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम सरफेस ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग? कितनी दूर गया ये बताना है आपको, और आपको u गिवन है इसमें 2 km/s। तो क्वेश्चन है कि यहां पर u की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, आपका रॉकेट लेट से कितनी हाइट अटेन करता है h, कॉन्सेप्ट तो वही है कि जब आपका रॉकेट सरफेस के ऊपर है तो एनर्जी कितनी है, -gmm/r, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gmm/r +h। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि एनर्जी की वैल्यू इसमें क्या होंगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना यहां तक? लेकिन एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली हमने क्या सीखा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी ½mu² भी होती है। हमने यह सीखा कि ग्राउंड के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी, ग्राउंड के ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी -gmm/r +½mu² is equal to -gmm/r + h। यही है एनर्जी कंजर्वेशन, मींस सरफेस के ऊपर जितनी टोटल एनर्जी है और एच हाइट पर टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सेम। या क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ये माइनस है, -gmm/r is equal to ½mu², क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे? बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये एक है एनर्जी, इसको राइट साइड पे ले आओ तो ये बन गया ना, ये देखो, ठीक है ना, सेम इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। याद है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में एग्जैक्टली लगाता क्यों मैं लगाता हूं, When there is some change in potential energy, वो change in potential energy क्यों है? क्योंकि आपने सरफेस के ऊपर क्या दी, काइनेटिक एनर्जी दी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्यों है? बिकॉज आपने सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी दी, तभी मैंने ये लगाया। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, इतनी, ठीक है, ऐसे है? और इसको किसके इक्वल होना चाहिए था, ½mv या ½mu² ऐसे होता है। लेकिन क्वेश्चन में 20% एनर्जी लॉस के बने, जितनी एनर्जी आपने दी उस
उसका 20% क्या हो गया, लॉस। आपने कितनी दी, हाफ एम यू स्क्वायर, बाकी पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ की वजह से होती होती है, आपने तो हाफ एम यू स्क्वायर दी, इस हाफ एम यू स्क्वायर का 20% खत्म हो गया, तो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर नहीं मिली, कितनी मिली, ऐसे कर दो 80% मिली, हाफ एम यू स्क्वायर टोटल तो मिल नहीं पाएगी, इसका 80% मिल पाएगा, यहां से इक्वेट कर लो, एम 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 कैंसल, एच निकाल लेना आंसर, समझ आई बात, यू गिवन है, सब कुछ गिवन है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की, बोलो, ये दो एनर्जी क्या कर रही है, मैं एक बात बताऊं, टॉप को मैंने रुकी नहीं बॉडी, तब भी 80% थी काइनेटिक एक की होगी एनर्जी, दो क्यों होगी, जमीन पे एनर्जी दूंगा, जमीन पे होगी, ओके यहां तक क्लियर है, समझ आ गया एनर्जी कंजर्वेशन भी कैसे लगेगा, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर है सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, तो सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन ये चैप्टर बेसिकली किसमें डील करेगा, सैटेलाइट्स अगर घूम रही हैं तो कैसे घूम रही हैं, प्लैनेट्स अगर घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं, तो इसके लिए सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाती है या रहती है, अगर अंदर रहती है तो अर्थ उसको खींच नहीं लेगी, तो इसका मतलब कहां रहती है, बाहर रहती है, अगर बाहर रहेगी तो फिर वो यूनिवर्स में चली नहीं जाएगी, वापस क्यों आएगी, खींचेगा कौन फिर उसे, तो फिर कहां रहती है, अंदर रहती है, फिर अगर अंदर बाउंड्री में रहती है, ठीक है जी, तो देखो बाउंड्री में नहीं रहती, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहती है और अर्थ उसको कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ खींच भी रही है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं गिर रही, इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, इमेजिन करो अर्थ है और सपोज करो अगर आप अर्थ के ऊपर एक किसी भी बॉडी को सीधा घेरो तो वो कैसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जैसे इस केस में मैंने इसको घेरा हुआ है कि सपोज मैंने सीधा घेरा प्रोजेक्टाइल और तेज घेरा प्रोजेक्टाइल और तेज घेरा प्रोजेक्टाइल, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो प्रोजेक्टाइल्स की तरह बॉडी गिरेगी, अब इमेजिन करो ये बिल्डिंग वोल्डिंग कुछ नहीं है, इमेजिन करो कि मैं बहुत हाइट ऊपर चला गया एक रॉकेट के साथ सैटेलाइट को लेके, तो रॉकेट सीधा जाके सपोज रॉकेट ऐसे हो गया, रॉकेट पहले सीधा उड़ेगा और फिर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा और ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल, किसी पॉइंट पे जाके रॉकेट जो बहुत तेजी से ऐसे मूव कर रहा है, अर्थ नीचे से गोल है ऐसे, बहुत तेजी से उस सैटेलाइट को सीधा प्रोजेक्ट करेगा, फेंकेगा, जैसे हमने पत्थर फेंक दिया, अब सैटेलाइट सीधी गई, अर्थ खींच रही है, प्रोजेक्टाइल पर अर्थ की सरफेस राउंड है, फ्लैट नहीं है, अगर फ्लैट होती मतलब अगर बहुत हाइट ना अटेन होती तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गिर जाता जमीन के ऊपर, इस केस में कॉन्टिन्यूसली अर्थ उसको खींचती जा रही है, ग्राउंड उसको मिल नहीं रहा बिकॉज स्फीयर राउंड है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी सैटेलाइट कैसे घूमती जाएगी ना, सर्कल, तो कॉन्टिन्यूसली जो एक जो अर्थ है वो इस सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या करती जा रही है, अट्रैक्ट, बट क्योंकि सरफेस राउंड है जिस वजह से फोर्स कहां लग रही है, टुवर्ड्स सेंटर एंड सेंटर, ये फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है सैटेलाइट को? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सैटेलाइट को घूमने है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए सैटेलाइट को कोई इंजन नहीं चाहिए घूमने के लिए, एक बार फेंक दोगे वो हमेशा के लिए उसमें घूमती जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर जितने वेलोसिटी से सैटेलाइट घूमेगी, एक ऑर्बिट में सेट हो जाती है जो सैटेलाइट है, तो अगर आपकी एक सैटेलाइट ऑर्बिट में सेट हो जाती है तो उस वेलोसिटी को जिससे सैटेलाइट घूम रही है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी आएगी, बट प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट इज वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। और इसको करने का क्या तरीका है कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट घूमेगी। तो इसके लिए काम करो, अर्थ का रेडियस आर, और मान लो आपकी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितने डिस्टेंस पे जा रही है, एक्स ले लिया। अब सैटेलाइट का मास छोटा एम है, स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम। तो अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ टुवर्ड सेंटर खींच रही है बाय अ फोर्स ऑफ जी, अर्थ का मास छोटा मास अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? फोर्स की वैल्यू क्लियर है, अर्थ इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स से सैटेलाइट को खींचेगी, और सैटेलाइट को घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। कितनी? एम वी स्क्वायर बाय आर। एम किसका, बड़ा कि छोटा? छोटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको रिक्वायर्ड है? सैटेलाइट को। तो मास भी किसका? सैटेलाइट का। वेलोसिटी भी किसकी? सैटेलाइट की। रेडियस आर प्लस एक्स, ठीक है ना? यहां तक दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट, मतलब इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी? समझ आ गया यहां तक? तो यहां से आर प्लस एक्स से एक आर प्लस एक्स कैंसिल, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है? यहां तक एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे वी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, ये भी क्लियर है? यानी कि किस ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को घुमा रहे हो, वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी उसमें? डिफरेंट रहेगी। कोई डाउट इसमें? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज क्लियर, और इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज अंडर रूट ऑफ जी बड़ा एम अपॉन आर प्लस एक्स। सैटेलाइट का मास तो गायब हो गया, कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं। आप एक स्पून को फेंक लो, आप एक किसी भी एक बॉल को फेंक लो, सैटेलाइट को फेंक लो, वेलोसिटी सबकी क्या रहेगी? सेम। क्लियर है यहां तक? अगर एक्स स्मॉल है, मान लो स्मॉल है, स्मॉल मींस एज कंपेयर टू आर, आर तो 6400 किलोमीटर है, मान लो सैटेलाइट 200 किलोमीटर पे है, इट मींस एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या जाएगी? जीरो। अगर बहुत छोटा, मतलब सैटेलाइट काफी नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जीएम बाय सिर्फ आर। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं उसमें ये मान के चलते हैं कि सैटेलाइट काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो फॉर्मूला विल बिकम अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, जीएम को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जीएम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो कैपिटल जीएम इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो कैपिटल जीएम की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल जी आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा, या तो फॉर्मूला याद करो अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर, या फिर अंडर रूट ऑफ जी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है क्योंकि इसमें अजम्पशन है कि सैटेलाइट काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, अब देखना पड़ेगा फिर से वही बात न्यूमेरिकल्स में। सैटेलाइट दूर है कि सैटेलाइट पास है? सैटेलाइट पास है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, लगा दो ये फॉर्मूला रूट जीएम बाय आर, कोई चक्कर नहीं। अगर सैटेलाइट आर बाय टू हाइट पे है, अब ध्यान से, अब आपको आर प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर, और पता कैसे लगेगा ऊपर वाला लगाएं कि नीचे वाला लगाएं? प्रैक्टिस, आपको अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अपने आप देखोगे कि कभी कभी तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहा है, कभी कभी नीचे वाला लगा रहा है, ऐसा क्यों? आपको अपने आप समझ आएगा। जब डिस्टेंसेस बड़े हैं तो निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं हम एक्स को, फिर उस केस में हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई डाउट इसमें? ये भी चीज क्लियर है? नेक्स्ट है,
ऑर्बिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी क्लियर है, अगर एक्स जीरो है स्पेशल केस है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ऑर्बिटल का, या फिर अंडर रूट ऑफ जी आर, ये फॉर्मूला। ये भी क्लियर है, वे मैंने करके दिखाया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, और हाँ, अगर आप रूट ऑफ जी आर पुट करते हो, मतलब सैटेलाइट काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के, जी पुट करो आर पुट करो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप सैटेलाइट बहुत दूर नहीं है, काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो वह एक सेकेंड में साढ़े सात यानी 8 किलोमीटर के आसपास कवर कर लेती है। सोचो सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर, ठीक, बहुत तेज होती होगी। मतलब सोचो मैं यहां से चंडीगढ़ पहुंच जाऊं वहां पर एक सेकंड में, सिर्फ इतनी तेज, ठीक। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। प्लीज जो एक्सप्रेशन मैं कराने जा रहा हूं आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना, समझ के जैसे नेक्स्ट टाइम टेस्ट लूंगा बस लिख के दिखा दें समझ के, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के केस में अगर एक सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमती है, ये एक्स है, ये आर है, कितनी डिस्टेंस पे, आर प्लस एक्स पे, तो टोटल सर्कमफ्रेंस निकाल दें। अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस है, 2 पाई आर प्लस एक्स, और ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वी, और सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से घूमती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड। यहां तक क्लियर है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, तो यही किया है, देखो सबसे पहले 2 पाई आर प्लस एक्स अपॉन वी, वी की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर प्लस एक्स का अंडर रूट ऊपर चला गया, या इसको सिंप्लीफाई किया आर प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर है यहां तक, तो आर प्लस एक्स रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यूब बन जाएगा आर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है, टाइम पीरियड आ गया, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या हो गया भूपेंद्र, डाउट है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, या फिर ऐसा कर सकते हो, ये था फॉर्मूला टाइम पीरियड का, कैपिटल जीएम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करेंगे, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला आ गया। चाहे ये याद कर लो, चाहे पिछला याद कर लो, चाहे कुछ भी मत याद करो, वैसे ही टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आ ही जाएगा। मेरे को तो याद नहीं, तो मेरे को क्वेश्चन दोगे पहले तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा बैठ के, तो आप भी निकाल, तो याद कौन रखेगा, एक साल क्या एक दिन भी याद नहीं रहेगा आपको ये, ठीक। नेक्स्ट है, ये टाइम पीरियड है, और कई बुक्स अगेन मास ऑफ अर्थ को लिखती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कभी कभी डेंसिटी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, ठीक। तो डेंसिटी की फॉर्म में भी आ गया आंसर, ठीक। मतलब मैं आपको बताने की क्वेश्चन, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में कन्वर्ट कर किया जा सकता है, ठीक है यहां तक। और लास्ट है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो अभी आया था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम, एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, अगर जीरो, मान लो अगर सैटेलाइट काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये फॉर्मूला आ गया, और जीएम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ गया। स्पेशल केसेस है, सच बताऊं तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी इज नोन एज अ टाइम पीरियड, ठीक है यहां तक, पॉइंट क्लियर है यहां तक। और लास्ट एक्सप्रेशन है, टू फाइंड दी हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, तो हाइट के अंदर कुछ करना ही नहीं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके सामने है, आपके सामने है। आप एक काम करो, हाइट का मतलब सरफेस से आपको एक्स निकाल लें, क्योंकि आपकी सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे घूम रही है, एक्स, इसको स्क्वायरिंग कर लो, पहले जीएम को जी आर स्क्वायर पुट कर लो स्मॉल जी की फॉर्म में, कैपिटल जीएम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करके इस टर्म को एक तरफ रख लो, क्यूब राइट साइड पे जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, और फाइनली आपको एक्स निकालना है, एक्स निकाल लो, फॉर्मूला कोई याद नहीं रखना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है तो समझो एक्स की
वैल्यू भी आती है. पॉइंट क्लियर है, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते क्योंकि इसमें क्यूब रूट इन्वॉल्व है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है. बट आइडिया क्लियर है हाउ टू फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ अ सेटेलाइट. एनी डाउट? सबको क्लियर है यहां तक?